एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग, कमेंट्स करके जो भी बताना। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और हमारा नाश्ता वगैरह सब हो गया है और मैं मतलब ऑलमोस्ट सब हो गया है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्पर है, जो मेरी मेड है, वो आ गई है। तो मैं आज बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, आपको मेरा फेस देख के लग रहा होगा। तो सारा काम मोस्टली हो गया है और बस अब दोपहर का समय है और देखते हैं क्या बनाना है, कुछ डिसाइड नहीं है। और ये रही चीकू, हेलो करो। तो चीकू का भी छुट्टियाँ लग गई हैं आज से और बस वो भी इतना इंजॉय कर रही है, तो टीवी देख रही है। फिर और शिवम अपनी स्टडी कर रहा है, उसकी ऑनलाइन अभी चल रही है। तो चलिए देखते हैं जो भी क्या बनना है, अभी कोई डिसाइड नहीं है। तो जो भी होगा वो मैं सब शेयर करूँगी आप लोग के साथ, तब तक आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो भी चैनल पे न्यू आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं जो होगा, शेयर करेंगे आपके साथ। फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई हूँ और कुछ अच्छा सा ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, तो चलिए एक अच्छे से ड्रिंक बनाते हैं। और आज बाहर मैंने एकदम बादल सा मौसम में ऐसा ना बारिश होगी और इतनी ज़्यादा उमस है ना, बहुत ज़्यादा उमस हो गई है, तो मौसम का बहुत ज़्यादा बेहाल है। तो चलिए बनाते हैं, मैं तैयारी कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, एक अच्छा सा ड्रिंक बनाते हैं। तो मैंने देखिए एक कोई भी आप मेजरमेंट कप ले लीजिए, मैंने एक शक्कर डाल दिया है और इसका मैं एक कप, जितना शक्कर डाला मैंने उतना ही मैं पानी डाल दूंगी, ठीक है। तो आप 1:1 का रेशियो रख सकते हो। बेसिकली हमको बनानी है सिरप, और सिरप जो बनाना है वो थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का बनाना है, ठीक है। तो ये हम डाल दिए, मैंने डाल दिया है इसमें और इसको हमें चलाते रहना है। और साथ में ही हम इसके डाल देंगे थोड़ा सा पुदीना, पुदीने का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा हमारी इस ड्रिंक में। तो इसे हमने पकने देना है थोड़ा सा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पक रहा है, हमें इसे चिपचिपा सा करना है, मतलब समझ लीजिए एक दांत की चाशनी से, मतलब थोड़ा सा कम रहे। जैसे हम गुलाब जामुन का बनाते हैं ना, बस वैसा ही हमको थिक सिरप चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा हमको और कुछ चीज़ें ऐड करनी है। मैंने एक लेमन लिया है और लेमन का जो ये ऊपर का ग्रीन वाला पोर्शन है ना, बस यही लीजिएगा, वाइट वाला मत लीजिएगा, अदरवाइज ना वो कड़वा हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस ड्रिंक में। तो फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं काला खट्टा सिरप, जो बहुत सारे लोगों का फेवरेट होगा और हम बचपन से खाते आ रहे हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है इसका बर्फ का गोला, इसका सिरप बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। ये देखिए, मैं सारा जितना भी हो रहा है ना, मैं जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं ऊपर का ये ले रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया है। उसके बाद हमने इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ये भुना जीरा पाउडर है, ये ऐड करना है। देन हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक, ठीक है। थोड़ा सा ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर 1/4, और थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी ये फ्रेंड्स साइट्रिक एसिड है, किसी भी शॉप में मिल जाता है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगी। ये नहीं है आपके पास तो आप नींबू ऐड कर दीजिए, या नींबू भी नहीं है तो आपके पास अगर वाइट विनेगर हो ना तो विनेगर भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो बस हमने मिक्स किया है और अब हम इसे पकाएंगे। 5 से 6 मिनट लग जाता है इसे अच्छी तरह से सिरप बनने के लिए, ठीक है। तो इसमें मैं और क्या मिलाऊंगी अभी आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो बस इसे हमें अच्छे से पका लेना है। काम था ना, हाँ, गिर गया। काम सूख तो गया, तो सूख
बॉईल हो रहा है ना, इतनी अच्छी खुशबू उसमें से आ रही है ना, बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है। अगर आपको काला खट्टा सिरप, बर्फ का गोला पसंद है शरबत ना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये ड्रिंक है और बहुत इजीली घर पे बन जाता है घर के सामान से ही, तो बहुत अच्छा लगता है ये। देखिए फ्रेंड्स, अभी वो कंसिस्टेंसी नहीं आई है। अब फ्रेंड्स इसमें हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा कलर। तो ये देखिए, ये कॉफ़ी का कलर है जो हम इस सिरप में ऐड करेंगे। बेसिकली आपने देखा ये काला खट्टा सिरप का कलर किस तरह से होता है, डार्क ब्राउन होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ये कलर नहीं है, तो अगर आपके पास रेड और ग्रीन कलर है ना, तो आप रेड ग्रीन कलर को मिक्स कर लेंगे ना, तो भी आपका ये कलर का सिरप रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं डाल देती हूँ इसमें, ताकि हमारा सिरप में अच्छा सा कलर भी आ जाए, एकदम परफेक्ट वही लगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम अच्छा सा हमारा कलर आ गया है ब्राउन सा। ठीक है, तो ये अभी ना बस थोड़ा सा और पकना है, पूरी तरह नहीं पका हुआ है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा हो गया है थिक जैसा हमें चाहिए सिरप। तो मैं अब गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और इसमें जीरा, काला नमक, पुदीना और हमने जो भी चीज़ें डाली थी ना, सबका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ गया है। ये देखो कलर, आप ये देख लो। अब हम इसको छान लेंगे और छान के हम इसे ठंडा कर लेंगे, देन हम बनाएंगे अपना काला खट्टा शरबत। ठीक है, और फ्रेंड्स इस सिरप को आप कभी भी यूज़ कर सकते हो फ्रिज में रख कर स्टोर करके। ठीक है, तो इसे मैं छान लेती हूँ, ठंडा कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सिरप था ना, ये ठंडा हो गया और देखिए इसकी थिकनेस भी आ गई है। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा काला खट्टा सिरप रेडी हो गया। इसे आप स्टोर करके रख भी सकते हो, जब आपका मन करे तो आप पिला पी लो और गेस्ट को भी दे सकते हो, बहुत अच्छी खुशबू। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आइस डाल लेती हूँ इसमें, इस समय समर्स में ना यही सब चीज़ें कुछ कुछ पीने का मन करता है। समय में आइस डाल दे रही हूँ, उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे सिरप। सिरप आपको जितना डालना हो उतना आप ऐड कर सकते हो। कलर देख लो कितना अच्छा आया ना मिलाने से। देखिए अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, आप चाहो ना तो सोडा भी डाल के पी सकते हो, बट सोडा नहीं है, मैं शरबत बना रही हूँ। और इसे हमने चम्मच से मिक्स कर देना है। आप चाहो तो इसमें पुदीना लीव्स भी डाल सकते हो, बट मेरे घर में नहीं डालना है, मैंने तो ऑलरेडी सिरप में डाल चुकी थी। और ये जो है ना, ऊपर से थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल लीजिए, वैसे सब मिला हुआ है लेकिन ऊपर से डालने से और रिफ्रेशिंग लगेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा यम्मी सा काला खट्टा सिरप रेडी हो गया। तो चलिए हम इसे इंजॉय करते हैं। कैसा है मम्मी? सुपर, एकदम काला खट्टा जो हम लोग बर्फ का गोला खाते हैं ना, सेम वही टेस्ट। हाँ, जैसे लग रहा है, आप लोग ट्राई जरूर करना। ठीक है, चलिए मैं इसे एंजॉय कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी खाना वाना खा के आप लोग से मिल रही हूँ। सबने वो शरबत पिया, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई और ट्रस्ट में बहुत अच्छा लग रहा था। जैसा आप मार्केट में पीते हो ना, सेम वही टेस्ट था, कोई भी डिफरेंट नहीं था। और घर में आप चाहे जितना बना के सिरप रख लो और स्टोर कर लो, जब मन करे आपका आप पी लो। तो उससे ना मैं एक और रेसिपी बनाने वाली हूँ, जो मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ जो भी चैनल पे न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और बेल बटन ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अब हो रहे हैं 2 बज रहा है, तो मैं अभी अब आराम करूंगी। कल फिर मिलेंगे हम नए वीडियोस के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।